बहू, अरे बहू। हाँ माँ जी बस आई। अरे तुम्हारे बाबूजी मंजन करके बैठे हैं, ना सही चाय पानी, अरे खाली पेट वाली दवाई दे दे। अब चाय बिना कहे ही दे जाना। जी माँ जी। अरे सुबह सुबह काहे उखड़ी रहती हो? उसने तो सवेरे ही पूछा था, तो तभी ने तो कह दिया कि साथ में चाय पिएंगे। मम्मी, ए मम्मी, आप चाय बाद में बनाइए, पहले हमको कपड़े पहना दे, हमको स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे ढूंढ ले जाओ। बेटा तुम बटन बंद करो, मैं आती हूँ। अरे बेबी जी तन जल्दी आवा करो, हमका और जगह जाए रहते हैं। तो कहिए भैया सवेरे 4 बजे से भगोना छन्नी लेकर हम यही बाहर ही खड़े रहा करें। अरे अरे बहू। हाँ माँ जी। अपने बिजी शेड्यूल से जरा टाइम निकालकर चाय भी दे जाओ। हाँ माँ जी बस लाई चाय। मम्मी पहले हमको तैयार कर दीजिए, आपके चक्कर में डेली मेरी प्रेयर छूट जाती है। चाय बाद में छानिएगा। अरे बेटा बस 2 मिनट, आज नहीं छूटेगी प्रेयर, आज स्कूल जल्दी पहुंचा दूंगी स्कूटी तेज चला के। बेटा दवा निकाल के रख देना। बापूजी पराठे बनाने जा रहे हैं, खा के दवा खाइएगा। दवा बाद में निकाल देना, पहले सीबू को स्कूल छोड़ाओ, पराठे बाद में खा लेंगे। जी बाबूजी। बाबूजी दवा रखी है ये। क्या नवल के ऑफिस में आज छुट्टी है क्या? अरे ऑफिस उसको जाना है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उठ जाएगा अपने हिसाब से। अरे सीबू बेटा जल्दी आओ, नहीं प्रेयर छूट जाएगी। अरे मम्मी किताबें तो रखने दीजिए। अरे ये किताबें तो मैंने कल होमवर्क कराते समय रख दी थी। मम्मी आप सुबह के टाइम मेरा बैग चेक करा करिए, सुबह के टाइम मुझे लर्न करना रहता है। आओ। जूही, जूही देखो ये रिमोट नहीं चल रहा। अरे तुम तो बाद में देख लेना, अभी देखना जरूरी है क्या टीवी? जब मैच आता है तब तो नहीं कहते हो कि बाद में देख लेंगे मैच। अब अगर सीरियल निकल ही जाएगा तो ये टीवी होने का फायदा क्या घर में? जूही। क्या हुआ मम्मी? अब उस शिवू को स्कूल छोड़ने गई है, आती होगी। अरे बेटा तो तुम ही आके देख लो, ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? अब हम क्या देखें उसमें मम्मी, वो भी स्कूल छोड़ के आएगी, देख लेगी। जूही यार शिवू को स्कूल छोड़ने जाने से पहले मम्मी पापा काम निपटा दिया करो तुम। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या, देखो जाके वो टीवी का रिमोट नहीं काम कर रहा है। क्या हुआ माँ जी टीवी में? अब क्या, अब सीरियल निकल गया, रिमोट ही नहीं काम कर रहा था। हमको लग रहा है इसमें के सेल खत्म हो गए होंगे। क्या इसका भी सेल खत्म हो जाता है क्या? कितना अच्छा होता तुम्हारा मुंह भी सेल से चलता और मुझे कानों को शांति प्रदान करने का अवसर मिल जाता। क्या तुम तो कह रही थी कि इसके सेल खत्म हो गए, ये तो बिल्कुल नए लग रहे हैं देख के। माँ जी फिजिक्स हमारी शुरू से ही कमजोर रही है, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये लीजिए चल गई। हाँ आई। यार कुछ खाने को मिलेगा या मैं बाहर जाके खा लूं? पराठा बनाने जा रहे हैं, आप हाथ धो के बैठिए। क्या है जूही, आज मैं हाथ धो के बैठ जाता हूँ तब तुम पराठा बनाना शुरू करती हो। जूही क्या यार, पूरे दिन में एक ही काम होता है तुम्हारे पास, वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता है। अब मैं नहीं खाऊंगा इसे, तुम खा लेना। यार जूही मैं लेट हो रहा हूं, अब मेरे मत लाना। और सुनो यार, जब तुमको ब्रेकफास्ट बनाने में इतना ही लेट हो जाता है तो ये सुबह सुबह मम्मी पापा का चाय पानी वाला इंतजाम करके रख दिया करो। चिल्ला चिल्ला के ना मेरी नींद तोड़ देती है सुबह। जूही सारा काम हो गया? हाँ मम्मी, अभी तो छुट्टी मिली है। चलो ग्राउंड में प्रदर्शनी लगी है, चलो हम लोग भी कुछ ले आते हैं। अरे बहू बहू, अरे देखो बाबूजी चाय मांग रहे हैं, बना रही हो या फिर हम ही बनाए? हाँ आ रही माँ जी। चौधरी की बिटेवा ब्लाउज दे गई है सिलने के लिए मामी, तो वो भी देना है सिल के। जा रहे नहीं। अरे जाओ भाई, चाय का बुलावा भी आ गया है। वो मामी आप जाइएगा तो बताइएगा वहाँ क्या क्या है। अरे देखो बिटिया, अकेले जाना होता भी है कि नहीं। अच्छा। पप्पू की दुल्हन नहीं दिख रही है। बाबूजी चाय। मम्मी कल टेस्ट है, आज हमको होमवर्क करा के हमारी मैथ्स तैयार करा दीजिएगा। ठीक है, कपड़े बदल के खेलने मत निकल जाना, खाना खा लो फिर होमवर्क कराते हैं। मम्मी हम रोज वही का दाल चावल नहीं खाएंगे। तो क्या खाना है तुमको? कल ही तुम्हारी पसंद का डोसा बना था अभी। हाँ ठीक है, अब आप होमवर्क करा देना, हम डोसा पापा से मंगा लेंगे। मंगा लेना पापा से तुम। बहू ओ बहू, अरे शिबू के लिए खाना निकाल दी हो तो जरा पैर में लगाने वाली दवाई ले आओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी पैर में? अरे बाथरूम में फिसल गए थे तो लगता नस चढ़ गई। लाती हूँ दवा। आ, 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 मम्मा मम्मा पापा का फोन। जा बेटा बात कर लो। हेलो यार जूही, अब शिबू बाहर डोसा खाने की जिद कर रहा है। यार तुम घर में दिन भर फ्री बैठी रहती हो, बच्चों की मनपसंद का कुछ बना दिया करो। और सुनो जूही, एक बार किचन में जाकर देख लो, जो भी सामान ना हो एक बार लिस्ट बना के ले आना। कल मेरे दोस्त आएंगे, शायद पार्टी हो। ठीक है। दादी आपके क्या हुआ? अरे बेटा बाथरूम में गिर गए थे तो वही लगता है नस चढ़ गई, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कहाँ है, जब देखो तब पेपर पढ़ते रहते हो, कल परीक्षा है क्या? भैया दो नहाने वाले साबुन। नहाने वाले साबुन और 4 साबुन बर्तन धुलने वाले, भुजिया नमकीन, 3 पैकेट मीठे बिस्कुट, 1 लीटर सरसों का तेल। अरे मैडम पर्ची लगी हमको। भैया सारा सामान थैले में रख के स्कूटी पर रख दीजिएगा। लाओ मैडम। भैया कितना हुआ? 812 रुपया। ठीक मैम। हाँ हाँ चाची, कल ब्लाउज बना के दे जाएंगे घर पे। जूही हाँ, यार ज़रा एक कप चाय मेरे कमरे में दे जाना प्लीज़। और हाँ यार, ये शिबू कह रहा था कि इसका होमवर्क कंप्लीट कराना था, तुम करा दोगी क्या यार? मैं ऑफिस से आया हूँ, थक गया हूँ। बेटा शिबू, अपनी बुक्स ले आओ यहाँ, आओ होमवर्क करा देती हूँ। मम्मा होमवर्क तो कंप्लीट ही है, पापा मेरे को कभी टाइम ही नहीं देते। जूही जल्दी करो यार, लेट हो रहा है। ये क्या है? बस इतने ही हैं। ये पैसे हैं यार जूही, यार तुमको हम आधी सैलरी रखने को देते हैं, पता नहीं तुम इतने पैसों को क्या करती हो। जब भी पैसे मांगो 500 रुपए का नोट पकड़ा दोगी। राशन सब्जी भी। बेटा जब ऑफिस से लौटोगे ना तो बड़ों क्या से खस्ते बनवा लाना। अरे मम्मी ये सब आप जूही को बोलिए ना, ये छोटे छोटे काम के लिए आप मुझे बोलती हैं। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। जूही माँ जी के लिए खस्ते ले आना। मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? अरे तुम दिन भर तो घर पे रहती हो, तुमको किस बात की छुट्टी चाहिए? छुट्टी तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है, ऑफिस में 10 से 5 काम करके बिल्कुल हालत खराब हो जाती है यार। नवल मुझे एक हफ्ते की छुट्टी घर से ही चाहिए। जूही तुम पागल वागल हो गई हो क्या? और छुट्टी लेकर तुमको जाना कहाँ है? मैं एक हफ्ते के लिए मथुरा जा रही हूँ। मथुरा? मतलब तुम्हें घर में 2 टाइम का खाना बनाना पड़ रहा है, इसके लिए तुम्हें छुट्टी चाहिए? नवल 2 टाइम का खाना ही तो बनाना रहता है। शर्मा जी के यहाँ सीमा आती है ना खाना बनाने, उससे बोल देंगे, उसकी बहन आकर बना जाएगी खाना। जूही यार मेरी कैंची देना जरा। हाँ आई। जूही यार मेरी टॉवल लाना जरा। थैंक यू। अच्छा सुनो यार, वो व्हाइट वाली शर्ट प्रेस कर देना, आज भाई ऑफिस पहन के जाएंगे। ठीक है। यार ये सब्जी राशन ये सब कौन लाएगा? और शिबू माँ बाबूजी को कौन संभालेगा? अरे जूही मतलब अब तुम्हें हम पहले मथुरा जाने के पैसे दें और बाद में फिर हम उस काम वाली को भी पैसे दें? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं और यहाँ से जाने से पहले काम वाली को पैसे देकर जाएंगे। अब तुमको ट्यूशन कोचिंग तो पढ़ाती नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे आएंगे होंगे तो मेरी सैलरी से ही। कभी महीने भर के खर्च का हिसाब लगाना, फिर जोड़ना घटाना कि महीने का कितना खर्च आता है और कितने पैसे हमको देकर जाते हो। अच्छा तो तुम कहाँ से लाई हो पैसे? पेटीकोट ब्लाउज सिलकर घर के खर्च पूरे करते हैं। कितनी बार शिबू के स्कूल गए हैं आप? स्कूल की फीस कितनी है, दूध वाला कितने पैसे लेकर जाता है, बाबूजी की दवा कितने की आती है, सब्जी राशन कितने का आता है, कुछ पैसों का हिसाब रहता भी है आपको? यार जूही अब जब ऊपर से ही औरतों के काम बट के आए तो मैं क्या करूं? आदमियों के हिस्से में तो पैसे कमाना लिख के आया है ना, तो कमाओ पैसे। फिर क्यों कहते हो कि हाथ संभाल के खर्च करो, आज दाल ना बनाओ कल सब्जी ना बनाओ? अरे ऊपर वाले ने एक काम दिया है तुम लोगों के हिस्से में पैसे कमाना, वो भी तो ठीक से होता नहीं है आपसे। बहू ओ बहू, तुम्हारी माँ के पैर में दर्द हो रहा है, कुछ दवा लगा दो आके। हाँ ये बाबूजी। अरे नवल तुम, अरे तुम सो जागे बेटा, तुम्हें कल ऑफिस जाना है। मम्मी, जूही को सुबह उठ के हमसे ही पहले काम पर जाना होता है। अरे, अरे, अरे इसने कौन सी नौकरी ज्वाइन कर ली? शायद आपको पता नहीं मम्मी, घर संभालना भी ना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जूही हम सबसे पहले इस घर में उठती है और सारा काम खत्म करने के बाद आधी रात को वो अपने कमरे में जाती है। क्यों पापा? हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से हमेशा यही कहता रहा, अरे भाई काम करवाना हो तो करवाओ, लेकिन जरा जरा सी बात पे रोज सुना सुना कर उसे परेशान तो ना करो। अरे हाँ हाँ, हम ही हैं सबसे बड़े इस घर में, जब नहीं होंगे ना तब पता लगेगा। मम्मी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपकी गलती है, इसमें ना सारी गलती हमारी है। वो हमें कभी घर के कामों को काम समझते ही नहीं थे और जिसकी वजह से उसको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जूही, अब से ना मैं रोज तुम्हारे साथ उठूंगा सुबह और तुम्हारे सारे कामों में तुम्हारी हेल्प करूंगा। आप तो शिबू को स्कूल छोड़ाइएगा, बाकी सब मैं कर लूंगी। पापा, आप मुझे भी टाइम देंगे ना? सॉरी बेटा, सॉरी जूही। अरे पापा, उधर नहीं है स्कूल, इस साल चेंज हो गया था, इधर है। ये कहानी सिर्फ इस जूही की नहीं, ये समाज पर लगा आईना है। वो सिर्फ एक गृहिणी नहीं, उसी का काम मकान को घर बनाना है। पर अब घर के कामों को भी अपना समझकर हमें भी अपना पौरुष दिखाना है।